गुड मॉर्निंग स्टूडेंट मैं वीना शाह मैंने लॉकडाउन में ही चैनल तैयार किया था ताकि घर में बैठे बच्चे साइंस की पढ़ाई आसानी से कर सके एवं समझ सके है ना? में मैंने खास करके पढ़ाना शुरू किया मैंने कई सारे वीडियोस एट नाइन्थ क्लास के साइंस के डाले हैं आप लोग देखे भी होंगे नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा वीना साहब प्ले में सारा वीडियो जा जाएगा ठीक है और मैंने क्लास का बायोलॉजी अभी फोर्थ चैप्टर आज मैं कंप्लीट करने वाली हूँ क्वेश्चन आंसर करके फिर मैं बायोलॉजी को कंप्लीट कर दूंगी ठीक है कुछ चैप्टर्स जो बायोलॉजी के हैं, या पर्यावरण या ऊर्जा के स्रोत ये मैं बाद में करूंगी तो एक पेज के जो क्वेश्चन आंसर है थे आ, वो मैंने बतला चुका है और आज है कि आपने क्या सीखा तो इसको आप लोग रीडिंग जरूर लगा लीजिएगा क्योंकि आ, ये वीडियो जो हम भेजेंगे तो इसमें पूरा लिखा हुआ रहेगा ये पेज तो रहेगा ही इसको आप लोग रीडिंग लगा लीजिएगा है तो मैं आज क्वेश्चन आंसर करवा देती हूँ वो लिखा हुआ है उसको दो बार तीन बार डिंग लगा दीजिएगा तो आप लोग को बहुत कुछ याद हो जाएगा ठीक है तो अभी मैं क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ क्वेश्चन से ध्यान से सुनेगा एक बार दो बार सुनिएगा फिर कॉपी में उसको लिखते जाइएगा तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैगनी पुष्प थे उसका संकरण बौने पौधों जिनके सफेद पुष्प थे उनसे कराया गया तो इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैगनी रंग के थे परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे सभी पौधों में पुष्प बैगनी रंग के थे परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवंशिक रचना निम्न थी है ना तो इसमें क्या होगा सभी पौधे पुष्प के बैंगनी रंग के थे तो सबसे पहले तो बैंगनी रंग के ठीक है डब्लू डब्लू सभी पौधे बैंगनी रंग के थे और स्मॉल डब्लू हो गया वाइट फूल के लिए हाँ? व्हाइट फूल के लिए हो गया स्मॉल डब्लू बैंगरी फूल के लिए हो गया डब्लू कैपिटल डब्लू और टॉल के लिए कैपिटल टी और स्मॉल के लिए जो पौधे बोने हैं उनके लिए था स्मॉल टी ठीक है तो जब संकरण कराया गया तो संतति जब कराया गया था इनके संतति के सभी पौधों में पुष्प बैगरी रखे थे यानी कि ये डब्लू डब्लू परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे तो लगभग आधे बौने थे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी और टी दोनों टी रहता तो क्या होता सभी पौधे लंबे थे सभी पौधे लंबे थे तब होता ये कैपिटल टी लेके यहाँ पर है उनमें से आधे बौने थे तो ये हो गया टीटी -टी और सभी पौधे बैगनी रंग के थे तो हो गया कैपिटल डब्लू इसलिए इसका आंसर है सी सभी पुष्प बैगनी थे इसका आंसर है सी ठीक है आप समझ में आ गया होगा कि टीटी -टी आधा बौने और आधा लंबे हैं और डब्लू सारे पुष्प बैगनी रंग के थे अब सेकेंड समझात अंगों का उदाहरण समझात अंगों का उदाहरण इसका हम लोग जान ही, ही, ही उनका उत्पत्ति एक ही तरह होता है एक ही जगह से होता है जैसे हमारा हाथ कुत्ते का अग्रपात हमारी दांत हाथी के दांत आलू एवं घास के उपरी भूस्तरी और उपरोक्त सभी तो इसमें क्या होगा उपरोक्त सभी ये समझात अंगों के उदाहरण है दो क्वेश्चन हो गया तीसरा क्वेश्चन विकास दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है हम लोग किससे ज्यादा मिल रहे हैं जीवाणु से मिल रहे हैं कि बकरी से मिल रहे हैं या चिपेन्जी से मिल रहे हैं या चीन के विद्यार्थी से इसका आंसर होगा चीन के विद्यार्थी ए इसका आंसर हुआ ए चौथा क्वेश्चन है कि एक अध्ययन से पता चलता है कि हल्के रंग की आंखों वाले बच्चों के जनक माता-पिता की आंखें भी हल्के रंग की होती है इसके आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि आंखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी उत्तर की व्याख्या कीजिए तो यहाँ पर है कि हल्के रंग की आंखों के बच्चे और हल्के रंग के आंखों वाले बच्चों के माता पिता की आंखें भी हल्के ही रंग की हैं। तो इसका मतलब कि यदि बच्चे के लक्षण ए ए है यानी कि कैपिटल ए है तो माता पिता के भी ए ए होंगे तो ए ए का क्रॉस करा जाएगा ए ए से तो क्या होगा ए ए ही बच्चे पैदा होंगे यदि बच्चे के लक्षण स्मॉल ए है तो माता-पिता के भी लक्षण स्मॉल ए होंगे क्योंकि उनकी भी आंखें हल्के रंग की है और बच्चों की भी आंखें हल्के रंग की है तो इससे यह स्पष्ट होता है कि स्मॉल ए रूप से ये नहीं कह सकते हैं कि आंखों के हल्के रंग का लक्षण डोमिनेंट है डोमिनेंट है या रिसेसिव यानी कि प्रभावी है या अप्रभावी अतः हम यह स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि आंखों के हल्के रंग डोमिनेंट है या रिसेसिव यानी कि प्रभावी है या अप्रभावी इतने अच्छे है ना उनके मतलब उनका भी आँख का कलर वही हल्का रंग और संतान का भी वही तो सब ये नहीं कह सकते कि कौन सा लक्षण प्रभावी है यह स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते हैं कि आंखों के हल्के रंग का लक्षण उनका प्रभावी है या अप्रभावी चौथा पांचवा क्वेश्चन जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन क्षेत्र किस प्रकार परस्पर संबंधित है जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन किस प्रकार परस्पर है? विभिन्न जीवों के मध्य समानताएं हमें उन जीवों को एक समूह में रखने और फिर उनके अध्ययन का अवसर प्रदान करती है, है ना विभिन्न जीवों के मध्य समानताएं होती हैं, तो समानताएं हमें उन जीवों को एक समूह में रखने और फिर उनके अध्ययन का अवसर प्रदान करती है क्योंकि दो स्पेसीज के बीच जितने अधिक लक्षण समान होंगे है ना दो जाति के बीच दो समी के बीच दो स्पेसिज के बीच जितनी अधिक सम सामान्य होंगी लक्षण लक्षण समान होंगे उनका संबंध उतना ही उनसे गहरा होगा उनके निकट का संबंध होगा यानी कि उनका उद्भव भी निकट अतीत के पूर्वजों से हुआ होगा है ना जैसे हम लोग चचेरे भाई बहन या अपने भाई बहन या थोड़ा सा और दूर के चचेरे भाई बहन का बहुत अधिक जब भी जो समानताएं हम लोग देखते हैं उनके बीच में तब हमको लगता है कि ये एक ही पूर्वज के है समान पूर्वज से इनका भी उद्भव हुआ है कुछ अभिलक्षण जीवों के महत्व आधारभूत विभिन्नताओं का निर्णय करते हैं आधारभूत विभिन्नताओं का निर्णय करते हैं जैसे बाह्य आकृति तथा व्यवहार का विवरण विशेष स्वरूप अथवा विशेष प्रकार इस प्रकार जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के श्रृंखलाबद्ध परिवर्तनों के संबंधों का प्रतिबिंब है है ना? उनके वर्गीकरण उनके विकास के श्रृंखलाबद्ध परिवर्तनों के संबंधों का प्रतिबिंब है हम इससे यही समझते हैं कि जीवों में बद्ध समानताएं हमें उन जीवों को एक समूह में रखना है ना जिन जीवों के बीच से बहुत सारा जिनका लक्षण मिल रहा है यानी कि उनमें बहुत अधिक समानताएं मिल रही हैं तो उनको हम एक समूह में रखते हैं उनका अध्ययन करने में आसान होता है ना? तो क्लियर हो गया छठा है समझात तथा समरूप अंगों का उदाहरण देकर समझाए समझात तथा समरूप तथा समरूप अंगों के बारे में हम लोग पढ़े हैं और काफी अच्छी तरह से आप लोगों को हम लोगों ने मैंने समझाया था तो आज इसका आंसर है समझात अंग वे होते हैं जो जीव जंतुओं में जिनकी उत्पत्ति और मूल संरचना में समानता होती है जिन जीव जंतुओं में उनकी उत्पत्ति और उनकी मूल संरचना में समानता होती है परंतु उनके कार्यों में विभिन्नताएं होती है कार्य उनका अलग हो सकता है लेकिन उनका उत्पत्ति जो है वह एक ही समान होगा हम्म मूल संरचना समानता होगी। तो वैसे अंगों को बोलेंगे समझात अंग कहते हैं जैसे पक्षी के पंख मेढक के आगे का पैर अग्रपाद मनुष्य के हाथ और पक्षियों के पंख सरसिव के भी आगे के अग्रबाहु आगे का तो ये जो है इनकी उत्पत्ति और इनकी संरचना बिल्कुल एक समान है लेकिन उनके कार्य में अंतर है कोई उड़ रहा है कोई 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 रेंग रहा है, कोई तैर रहा है, कोई चल रहा है 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 तैर चल ना तो कार्य अलग अलग है लेकिन उनकी उत्पत्ति एक सवाल होती है तो इस तरह के अंगों को कहते हैं समझात अंग या होमोलोगस ऑर्गन अब है समरूप अंग समरूप अंग हो गया जीव जंतुओं वे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं मूल संरचना में समानता न होते हुए भी उनके कार्यों में समानता है ठीक है समरूप में क्या हो गया उनका कार्य समान है लेकिन अंगों का उत्पत्ति समान नहीं है देखने में भी एक जैसा लग रहा है लेकिन उत्पत्ति बिल्कुल अलग है जैसे पक्षी का पंख और एक चमगादड़ का पंख और एक का पंख ठीक है पक्षी का पग जो होता है वह अग्र भाग जो होता है बाहु जो हम लोग का अग्र भाग हुआ तो पक्षी का वह भाग वह उड़ने के लिए होता है वह पंख में परावर्तित हो जाता है उसी तरह तितली का भी अग्र भाग पंख में परिवर्तित हो जाता है और वे उड़ने में उसको मदद करते हैं अब है चमगादड़ चमगादड़ में क्या होता है कि उनकी उंगलियों के बीच जो जगह होती है पांचों उंगलियों के बीच जो जगह होती है उस जगह में पतला और एक जाल के समान लससा त्वचा फैलने से पंख के तरह निर्माण हो जाता है उनके जो उंगलियां होती है तो उंगलियों के बीच में उंगलियों के बीच में त्वचा का फैलाव होता है और वही फैल जाता है और वे उसी के सहारे उड़ते हैं और पंख जो है इनमें पक्षियों के पंख हैं वे अग्र बाहु भा, जो होते हैं अग्रपाद वह परिवर्तित हो जाते हैं पंख में और पंख से उड़ने का कार्य करते हैं तो क्या है कि काम इन लोग कर रहे हैं दोनों उड़ने का लेकिन उन लोग का उत्पत्ति बिल्कुल अलग है ठीक है तो इस तरह से इस तरह से समजात और समरूप अंगों का उदाहरण है समरूप अंगों का उदाहरण ये पंख चमगादड़ और चिड़िया मेढक से बिल चमगादड़ एवं चिड़िया और तितली के पंख ये उड़ने के लिए हैं ठीक तो है तो यह है समरूप अंगों का उदाहरण अब है सातवा क्वेश्चन और समझात हो गया बैठक का का टांग का, पक्षी का और मनुष्य का इनकी उत्पत्ति ये हो गई समझात अब छठा क्वेश्चन कुछ, सातवा क्वेश्चन है कि कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग ज्ञात करने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट बना है तो ये प्रोजेक्ट आप लोग बनाइएगा कुत्ते की खाल से कुत्ते की खाल को मान लीजिएगा कोई ब्लैक कलर का कुत्ता कोई व्हाइट कलर का है ना वैसा मान के चलिएगा कैसा कुत्ता होना चाहिए कौन सा कलर डोमिनेंट होगा ब्लैक है तो ब्लैक डोमिनेंट होगा या व्हाइट होगा ठीक तो है इसको के चलिएगा और बताइएगा तो आठवा क्वेश्चन है विकास संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है विकास संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है तो जीवाश्म द्वारा हम यह जान पाते हैं, है ना जीवाश्म का भी महत्व है तो जीवाश्म द्वारा हम यह जान पाते हैं कि अंगों की रचना केवल वर्तमान स्पेसिस पर आधारित नहीं है है ना अंगों की रचना केवल वर्तमान पर ही आधारित नहीं, नहीं है जो जीवित नहीं है परंतु कभी अस्तित्व में थे जो अब केवल जीवित जो अब जीवित नहीं है परंतु कभी अस्तित्व में थे खुदाई में मिले जीवाश्म की गहराई तथा फॉसिल्स डेटिंग के आधार पर हम यह जानकर यह जान सकते हैं कि इन जीवों का अस्तित्व कब था, है ना? डेटिंग और गहराई से खुदाई से हम लोग समझ जाते हैं कि ये कब का जीवाश्म है कब का दबा हुआ जंतु है फॉसल डेटिंग से, से भी हम लोग जान जाते हैं तो इन जीवों का अस्तित्व तो कब था ये कितने पुराने हैं और इस कारण इस कारण जीवों के समय निर्धारण तथा तथा अंगों की संरचना के आधार पर आज की जीवों के विकास क्रम को समझा जा सकता है है ना इस प्रकार पुरातन जीवों के समय निर्धारण तथा अंगों का संरचन संरचना के आधार पर आज के जीवों के विकास क्रम को समझा जा सकता है नाइन्थ क्वेश्चन है किन प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति जैविक पदार्थों से हुई है किन प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक स्टेनले एल मित्तर तथा हेराल्डिक उरे द्वारा 1953 में योग में किए गए प्रयोगों द्वारा हम कह सकते हैं कि जैव रासायनिक कि जीव रासायनिक संश्लेषण द्वारा उत्पन्न हुए हैं रासायनिक संश्लेषण द्वारा उत्पन्न हुए हैं उन्होंने कृत्रिम रूप से ऐसे वातावरण का निर्माण किया जो संभवतः प्राचीन वातावरण के समान का वातावरण के समान का इसमें अमोनिया मीथेन तथा H2S के अणु अणु थे परंतु ऑक्सीजन के नहीं समझे उन्होंने कृत्रिम रूप से ऐसे वातावरण का निर्माण किया जिसमें ए, ए, इसमें था अमोनिया और मीथेन तथा H2S के अणु थे परंतु ऑक्सीजन के नहीं तो जिसमें आ, क्या था आ, जल भी था है ना पानी भी था तो इसे 100 डिग्री सेल्सियस से कुछ कम ताप पर रखा गया कम ताप पर इसको रखा गया और आकाश में उत्पन्न होने वाली बिजली की भांति गैसों के मिश्रण की छिंगारियां उत्पन्न की गई गैस गैसों के मिश्रण में चिनकारियां उत्पन्न की गई तो एक सप्ताह बाद पंद्रह परसेंट कार्बन हुआ पंद्रह परसेंट कार्बन मीथेन में सरल कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित हो गया एक सप्ताह के बाद पंद्रह परसेंट कार्बन में सरल कार्बनिक यौगिकों के परिवर्तन हो गए और इनमें एमिनो एसिड भी और इनमें एसिड भी हुए जो प्रोटीन के अणुओं का निर्माण करते हैं वो क्या करते हैं प्रोटीन के अणुओं का भी निर्माण करते हैं तो प्रयोगों आधार पर हम कर सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थ से हुई है अतः हम ये कह सकते हैं कि जीवित प्रयोगों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुआ है ठीक है अजैविक पदार्थों से हुई है दसवा क्वेश्चन है अलैंगिक जन की अपेक्षा लैंगिक जन द्वारा विभिन्नताएं अधिक स्थायी होती है क्यों तो इसको भी पहले हमने बतला चुका है कि विभिन्नताएं अलैंगिक जीवन में जनन में कम होती है और लैंगिक में ज्यादा तो अलैंगिक जीवन रिप्रोडक्शन में एकल जीव जनन करता है तथा इसके उत्पन्न जीवों में बहुत अधिक समानताएं होती रिप्रोडक्शन करने वाले जो जीव होते हैं उनके जंतु समान हो समान हुए तथा इनके एक और है उत्पन्न जीवों में बहुत अधिक समानताएं होती है जबकि लैंगिक जनन में दो जीव मेल फीमेल का योगदान होता है जिससे अधिक विभिन्नताएं होती है लैंगिक जनन में दो जीव इसमें भाग लेते हैं इसलिए इनमें विभिन्नताएं भी अधिक होती है तो ये विविधाए पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है है विविधताएं पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है और उनमें कुछ न तो कुछ परिवर्तन होते जाते हैं और वही परिवर्तन अस्थाई रूप से हो जाते हैं जो वातावरण के अनुसार वातावरण के अनुसार होंगे तथा तो कोई जीव को विभिन्न रासायनिक या परिस्थितियों में भी जीवित रहने में सहायक होते हैं सहायक होते हैं इस प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों में विविधता उन्हें भिन्न भिन्न परिस्थितियों पर रहने के अनुकूल बनाते हैं है ना विभिन्न भी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में रहने के अनुकूल बनाती है जिससे कि इन जीवों इन जीवों में विकास क्रम अलैंगिक जीवों में अपेक्षा बेहतर होती है क्या होता है कि वे सबसे पहले क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों में विविधता उत्पन्न होती है और उन्हें भिन्न भिन्न परिस्थितियों हाँ तो इस प्रकार भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में रहने वाले अनुकूल बनाती है रहने के अनुकूल बना लेती है जिससे कि इन जीवों में विकास क्रम अलैंगिक जीवों की अपेक्षा बेहतर होती है किसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक स्थायी होती है जिससे कि जीवों में विकास क्रम कट अलैंगिक जीवों की अपेक्षा बेहतर होती है तो ये क्वेश्चन हो गया दसवां कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विविधताएं अधिक स्थायी होती है ठीक है अब को है की संतति में नर एवं मादा को द्वारा योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है? संतति में नर और मादा जनकों द्वारा अनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है इसका आंसर ध्यान से सुनेगा कि दोनों जनक मेल तथा फीमेल मेल तथा फीमेल के डीएनए की समानताएं समान मात्रा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान संतति को प्रेषित प्रेषित करते हैं और संतति में एक जीन सेट केवल एक डीएनए श्रृंखला के रूप में परोत्तर डीएनए श्रृंखला के रूप में न होकर डीएनए के अलग अलग स्वतंत्र अणु के रूप में होता है तो प्रत्येक अणु एक गुणसूत्र का निर्माण करता है प्रत्येक अणु एक गुणसूत्र का निर्माण करता है और प्रत्येक में कोशिका में प्रत्येक मूल सूत्र की हो प्रत्येक गुणसूत्र की कॉपी हो तो कॉपी तो जिसमें एक उन्हें नर जनन से तथा मादा जनन से प्राप्त होती है है ना? एक गुणसूत्र जो है वो बाता से और दूसरा नर जनन और दूसरा स्त्री जनन से प्राप्त होती है तो प्रत्येक जनन कोशिका से क्रोमोजोम्स के प्रत्येक जोड़ी युग्मक जाता है और प्रत्येक जोड़ी का केवल एक गुणसूत्र ही एक जनन कोशिका को जन्म कोशिका युगमक में जाता है जब दो पुराने जब युग्मक जाता है जब दो युग्मकों का संग्रहण होता है तो बने जायगोट तब नए जो जायगोट का निर्माण होता है जागर बनते हैं उनमें पर गुणसूत्र की संख्या पुनः समान हो जाती है पहले जो संख्या आधी होती है वह संख्या फिर सामान्य हो जाती है तथा संतति में गुणसूत्रों की तैयारी अतः संतति में गुण सूत्रों की, की संख्या निश्चित बनी रहती है और बनी रहती है और स्पेसिज के डीएनए के स्थापित वो निश्चित करती है डीएनए की अस्थात डीएनए के अस्थायित्व को भी सुनिश्चित करती है है ना तो इस तरह से अब देखते हैं कि संतति में नर तत्व एवं मादा जनकों द्वारा के द्वारा अनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुरक्षित की जा सकती है भागीदारी किस प्रकार सुरक्षित की जा सकती है आंसर हो गया। <coughs> फिर ए लास्ट क्वेश्चन है कि केवल वे विभिन्नताएं जो किसी एकल जीव समिष्टि के लिए उपयोग होती है और समस्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखती है तो क्या आप इसको कथन को पुष्टि करेंगे हाँ तो क्या है कि केवल वे विभिन्नताएं जो किसी एकल जीव ब के लिए उपयोगी होती है और उत्तर हाँ तो क्या आप इसका सहमत है कि क्यों और क्यों नहीं तो आंसर है कि हाँ क्योंकि जो भी भी जो भी भी जीव के लिए पर्यावरण में जो जीव संयोजित जो, जो, जो जीव रहने के लिए उपयोगी होती है उसकी वंशागति होती है और इन विभिन्नताओं से भी जीव वातावरण विभिन्नताओं से भी जीव वातावरण के अनुसार अपने आप को रहने योग्य बनाते हैं या अनुकूलित करते हैं या ढालते हैं है ना अपने आप ढाले तो वातावरण में उस प्रकार हो जाते हैं या अपने आप को उसी वातावरण में ढाल लेते हैं और न केवल अधिक न केवल अधिक समय तक जीवित रह पाते हैं बल्कि समष्टि में वे अपना अस्तित्व भी बनाए रखते हैं तो क्वेश्चन जो है so, सो में अपना अस्तित्व बनाए रखती है ये बात तो बिल्कुल है कि जो विभिन्नताएं जीव के लिए पर्यावरण में जीवित रहने के लिए उपयोगी होती है उनके वंशागति वंशागति होती है हो जाती है तो इन विभिन्नताओं की इन विविधताओं से ही जीव वातावरण के अनुसार अपने आप को रहने योग्य अनुकूलित करती है अनुकूलित हो जाते हैं ये अपने आप को उसी वातावरण में रखने लायक बना देते हैं उस तरह अनुकूलित हो जाते हैं है ना तो ताकि जीव जो है वह अधिक समय तक स्वस्थ और जीवित रह सके क्योंकि उस आप को उस वातावरण में ढाल देते हैं या जी लेते हैं और न केवल अधिक अधिक और जीवित रह जाते हैं बल्कि समृष्टि भी अपना अस्तित्व भी बनाए रखते हैं और समी में अपना अस्तित्व भी बनाए रखते हैं ये हो गया इस चैप्टर कंप्लीट ठीक है तो इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर और बहुत सारे छोटे छोटे सवाल जवाब सब हुआ है ना तो उम्मीद है कि अनुवंशिकी चैप्टर तो बहुत इंटरेस्टिंग भी था है ना बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था अनुसंखता लेके रिलेटेड लिंग निर्धारण लेके रिलेटेड फिर आ, लड़कों में भी बहुत अच्छा अच्छा ये था जय प्रक्रम हो गया फिर जय जय ज्ञान नियंत्रण समन्वय हो गया जीव जनन कैसे करते हैं और लास्ट ये हो गया आ, ये क्वेश्चन ये लास्ट हो गया ये चैप्टर अनुवंशिकता ठीक है तो उम्मीद है कि आप लोग समझ में आएगा जहाँ नहीं समझ आएगा जिस पेज में आपको थोड़ा होगा कि ये और नहीं हो सका या और होना चाहिए था तो प्लीज आप लोग उसको रीडिंग लगाइएगा दो तीन बार रीडिंग लगा करके फिर आपको लगेगा कि नहीं हो पा रहा है तो हम उसको डाउट कर देंगे डाउट क्लियर कर देंगे ठीक है और आप लोग भी पढ़ते रहिएगा लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और आइकन आयकन को दबाना मत भूलिएगा तो क्या होगा नोटिफिकेशन में आप ही लोग को होगा ठीक है चलिए वीडियो देखने के लिए मैंने मैनी थैंक्स और आप लोग तो इसी तरह देखते रहिए और अपने छोटे भाई बहनों को अगल बगल पड़ोसियों को और अपने दोस्त को रिश्तेदार को उनसे भी आप मिलते रहिए और उनको बताते रहिए कि आप हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हैं तो मेरा वीडियो देख लें ठीक है ओके मैनी मैनी थैंक्स बाय